सो हेलो ऑल स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अपने घर पे अच्छे हो और सुरक्षित हो। तो राजस्थान के अंदर 13 दिन का लॉकडाउन लग गया 3 मई तक। तो अब उन एथलीट्स का क्या, उन स्टूडेंट्स का क्या जो कि रोज ग्राउंड पे एकेडमी के अंदर आते थे और उनका वन ऑफ द मेन पार्ट था लाइफ का रोज प्रैक्टिस करना, उनका क्या कि जिनका ड्रीम था कि हाँ आगे कुछ करना है टैकुंडो में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अपन ये 13 दिन बैठ गए कि हाँ अब तो जब एकेडमी खुलेगी, जब ग्राउंड खुलेंगे तभी अपन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, अपन ये सोच के बैठे, क्योंकि यू नेवर नो, अपन कुछ नहीं कह सकते 3 मई के बाद भी अगर लॉकडाउन फिर बढ़ा जाए तो। ठीक है, तो अगर अपन ऐसे बैठ गए तो आप मानो नहीं मानो ये 13 दिन बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाले। आपको ये 13 दिन 2 महीने पीछे कर देगा अगर आप इसमें बिल्कुल बैठ गए तो। आप लोगों ने अभी अपनी वीकेंड कर्फ्यू लगाया था अभी 2 दिन पहले, अपनी लाइफस्टाइल देखी, दोपहर में भी सो रहे होगे, रात को भी सो रहे होगे, खाना खा के सो रहे होगे, बिल्कुल लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गई होगी। आप चाहते हो आप ये 13 दिन भी आप ऐसे निकालो? नो, ना ना मैं चाहता हूँ ना आप चाहते हो। तो इसलिए कह रहा हूँ कुछ ना होने से अच्छा है और कुछ ना करने से अच्छा है कि अपन कुछ तो करें। ठीक है, आई नो देयर इज नो मैच फॉर फिजिकल क्लास, फिजिकल क्लास का कोई मैच नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता, बट स्टिल ऑनलाइन क्लास भी एक अपना पार्ट है कि अपन कैसे भी करके अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सपोज कर लो अपन 2 एग्जाम्पल लेते हैं। एक, अपन ने 13 दिन कुछ नहीं करा कि हाँ जब लॉकडाउन हटेगा अकेडमी जाएंगे ग्राउंड करके तभी करेंगे, ऑनलाइन क्लास बहुत बोरिंग है, मुझे भी लगती है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन क्लास बहुत बोरिंग है। ठीक है, तो अपने क्या क्या दिक्कतें आएगी, फिटनेस गई, स्ट्रेचिंग गई, अपना सारा पूम से सारा जो अपना जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो भूल गए, केक्स गई, स्ट्रेचिंग वगैरह सब कुछ, आपकी फाइट, आपके रिफ्लेक्सेस सब कुछ वीक पड़ जाएंगे। एक तरफ आपके 13 दिन जिसके अंदर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, आप घर के अंदर ही वर्कआउट कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप कर रहे हो। ठीक है, तो आपकी फिटनेस स्टेबल रहेगी, चाहो तो इम्प्रूव भी कर सकते हो बट स्टिल आपकी स्टेबल रहेगी। ठीक है, आपकी स्ट्रेचिंग बढ़ जाएगी कि आप टेक इट एज अ चैलेंज, 13 दिन अगर आप बिल्कुल अपने चैलेंज की तरह लेते हो तो आपकी स्ट्रेचिंग 110% इम्प्रूव होगी, आपके किक्स में इम्प्रूवमेंट आएगा, और नहीं तो कुछ, दिस इज अ गोल्डन चांस कि आप अपनी पूम्से को सुधार सको। ठीक है, आपका पूम से हमेशा काम आएगा, आपके बेल्ट एग्जाम में, आपकी टेक उसे काम आएगी, आपके हर चीज़ में काम आएगी, आपके डेमोन्स्ट्रेशन में काम आएगी। तो आप चाहो तो अपनी पूम से को बिल्कुल तरीके से कर सकते हो। सपोज अगर कोई सीनियर प्लेयर है, मैटर नहीं करता वो व्हाइट बेल्ट है, येलो बेल्ट है या ब्लैक बेल्ट है, कोई भी सीनियर प्लेयर है तो उसके 3-12 तक आती है। टेक इट एज अ चैलेंज कि आप 3 मई 4 मई को अगर आप अपनी अकेडमी या अपनी क्लास में एंटर होते हो तो आप टेक 12 तक बिल्कुल प्रोफेशनली उसको तरीके से कर लो। अगर आप सब जूनियर में आते हो तो भी आप 10 तक तो इवन करके रखो। तो ये चीजें ग्राउंड पे आपको इतना टाइम नहीं मिलता, किक्स करनी है, ये करना है, वो करना है, पूम्से को अपन हमेशा नेग्लेक्ट कर देते हैं, पर इसको आप एज अ चैलेंज लो कि अपन को कैसे भी करना ही करना है। देखिए ऑनलाइन क्लास में मानता हूँ कि इतना मजा नहीं आता, थोड़ी सी बोरिंग होती है, पर जब आपके सामने आपका कोच होएगा वो आपको 1000 गलतियाँ बता सकता है, 1000 चीजें करा सकता है। मैं खुद अपने पास ऑप्शन के अंदर एक जूम मीटिंग है जिसपे अपन क्लास ले सकते हैं, दूसरा मेरा व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप वीडियो कॉल पे भी अच्छी खासी क्लास हो जाती है। पिछले साल ही मैंने कम से कम 8 से 9 महीना व्हाट्सअप पे ऑनलाइन क्लास ली है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट आया भी है। मैं खुद बोर हो जाता हूँ नो डाउट, बट देखो मैं खुद सोच रहा था कि 13 दिन जो है बिल्कुल मैं अपने ऊपर दूंगा, अपना थोड़ा वर्कआउट करूंगा और दूर रहूंगा सोशल मीडिया इन सब से। आई डोंट वांट टू बी लाइक बुक वॉर्म होता है ना, वैसे मैं को सोशल मीडिया वॉर्म नहीं बनना। ठीक है, किताबी कीड़े की तरह मुझे ऐसे सोशल मीडिया कीड़ा नहीं बनना, बट स्टिल जब मैंने देखा ना कि आई हैव लॉट्स ऑफ पीपल बिहाइंड माई बैक जिनकी मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनका मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, उनकी प्रैक्टिस का हूँ, हर चीज़ का हूँ, तो मैंने देखा कि आई डोंट बी अ सेल्फिश, मैं सेल्फिश नहीं हो सकता। अगर मैं 13 दिन बिल्कुल ऐसे हो जाऊँ कि हाँ से मेरी प्रैक्टिस, तो 13 दिन मेरे उसकी नेगलेक्ट की वजह से वो लोग बहुत पीछे हो जाएंगे अगर मैं नेगलेक्ट करता हूँ तो। तो मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ टेक इट एज अ चैलेंज। ठीक है, इसको बिल्कुल चैलेंज की तरह लीजिए, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपने नहीं करी आप खुद देखना ये 13 दिन बहुत भारी पड़ जाएगी, झूठ नहीं कह रहा। आप लोगों को पता है अभी एशिया का क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट चल रहा है और जो एशिया क्वालिफाई तो अपने कॉन्टिनेंट का है एशिया पर्टिकुलर, बाकी सभी जगह तो कप के हो गए, बाकी जगहों पर लोग ओलंपिक के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग कर्फ्यू लग रहा हो, लॉकडाउन लगा हुआ, अपने अकेडमी के अंदर अपने ग्राउंड के अंदर रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक वो बहुत बड़े लेवल के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ बाकी लोग भी अगर इतने ज़्यादा डिटरमाइंड है तो अपन भी हो सकते हैं। द मैटर इज उनके बड़े गोल है, अपने छोटे गोल है, पर छोटे छोटे गोल से ही आगे जाके बड़े गोल बनते हैं। ठीक है, अगर आपने इसको बिल्कुल कर दिया ना कि हाँ आराम करेंगे, टाइम पे सोएंगे नहीं, देर से उठेंगे, तो ये बहुत खराब होने वाला है, बहुत खराब होने वाला मामला, आपकी आदत बहुत गंदी हो जाएगी और आपको खुद को कहीं ना कहीं ये लाइफ स्टाइल पसंद नहीं आती, किसी को भी नहीं आती। ठीक है, आपकी फिटनेस बिल्कुल रुइन हो जाएगी, आपने जो पुराने जो प्रैक्टिस सारी की है ना, यू विल स्पॉइल ऑल योर प्रैक्टिस, ऑल योर प्रैक्टिस। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा
या तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल की तरफ से या फिर जूम की तरफ से या फिर मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस भेज के कॉम्बिनेशन टिक्स भेज के ऐसे करके मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराता रहूँगा। अगर आप फिर भी किसी तरीके से आप क्लास लेने में असमर्थ हैं, अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो आप मुझे बताइएगा, कोई ना कोई अपन कुछ ना कुछ तरीके से कुछ करेंगे, या तो मैं आपको छोटे छोटे वीडियोज़ बना के दूंगा या कुछ करके दूंगा जिसके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ओके। सो अगेन आई एम टेलिंग यू एट लास्ट, टेक इट एज अ चैलेंज। आप चैलेंज लो कि आपको ये 13 दिन के अंदर बिल्कुल, आप घर पे हो ना, आपको स्टडीज की दिक्कत है अभी ना कुछ है, किसी का कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ बंद पड़ा है, आप अपनी फिटनेस से पूरा कर सकते हो, आप अपने गेम पे ऊपर अभी, आप अगर आप अभी अपनी हॉबी दे रहे हो ना तो आप कभी भी नहीं दे पाओगे। क्यों? अभी आपके पास कुछ भी नहीं है। दिस इज अ गोल्डन चांस। ठीक है, टेक इट एज अ गोल्डन चांस कि आप अपना बहुत कुछ सुधार सकते हो इस चीज में। ओके, आपको अपनी फिटनेस, स्ट्रेचिंग, सब कुछ स्टेबल रखनी है। नहीं रखी फिर स्ट्रेटनिंग करनी पड़ी, पता चला मैंने आपकी यहाँ तक खुलवाई थी, यहाँ तक खुलवाई थी, आप फिर आ रहे हो यहाँ पे आ गए, फिर मैं यहाँ खुलाऊंगा, तो यार यही काम तो रानी जिंदगी में कि अपन यही 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 करते रहे, आगे भी तो बढ़ना है ना। ठीक है, ओके ओके, बाय, टेक केयर।